उससे आगे आप देखेंगे कि ये SHO जेवर का जो सरकारी मोबाइल नंबर है, और ये देखेंगे सर योर मेल हैज बीन सेंड टू DCP। ये DM गौतम बुद्ध नगर ने मुझे जवाब भेजा अगले दिन 12 तारीख को कि जनाब आपकी कंप्लेंट हमें मिल गई है और ये हम एक्शन के लिए DCP पुलिस को जो गौतम बुद्ध नगर उनको दे रहे हैं। ये SHO जेवर का देखिए इनका नंबर है ये, और इनको मैंने ये देखिए ये कंप्लेंट PDF द्वारा 11 तारीख को दे दी थी। दोस्तों ये देखो वो मेल है जो कि 11 तारीख को 6:08 पर कमिश्नर ऑफ पुलिस को, DM गाजियाबाद को और SHO PS जेवर को मैंने थाने से ही की थी PDF बनाकर फ़ोन द्वारा, क्योंकि रिसीविंग नहीं दी गई थी। ये कहा गया था कि जी SHO साहब से ले लो रिसीविंग लेनी है, तो ये वो कंप्लेंट थी जो मैंने वहीं से मेल कर दी थी और मेल द्वारा SHO जेवर को ये मिली है, और इसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये कॉपी की गई थी डॉक्यूमेंट्स के साथ, हैदर के गुलाम हैदर के डॉक्यूमेंट्स के साथ। और मैंने सुना है कि अब वो कहते हैं कि जी हमें कोई कंप्लेंट नहीं मिली, जब खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस बात को कह रहा है कि मुझे कंप्लेंट मिल गई और आपको कार्रवाई के लिए भेज दी हमने आगे DCP को, तो कौन जिम्मेवार है। और व्हाट्सएप पे भी मैंने SHO को वो कंप्लेंट भेज दी थी, तो अब किसी को बोलने की गुंजाइश नहीं है कि मैंने कंप्लेंट नहीं दी। और जल्दी मैं जो ये मना कर रहे हैं कि कोर्ट में कंप्लेंट नहीं दी, जल्दी मैं इनको कोर्ट में तलब करूंगा और इनसे जवाब हासिल करूंगा कि कंप्लेंट कैसे नहीं दी। आपको मेल द्वारा भी दी गई, व्हाट्सएप द्वारा भी दी गई, बाय हैंड भी दी गई, आप झूठ बोलते हो सरकारी अधिकारी होकर के। दोस्तों आपने देखा होगा कि 11 तारीख को मैंने बाई हैंड एक कंप्लेंट SHO जेवर को दी थी, और वहीं से मैंने उनको उनके मेलिंग एड्रेस पर वो कंप्लेंट सेम भेज दी थी, CP कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज दी थी और DM साहब को भेज दी थी। DM साहब का अगले दिन 12 तारीख को मुझे रिप्लाई भी आया था कि आपकी कंप्लेंट हमने DCP नोएडा को कार्रवाई के लिए भेज दी है, जल्दी आपका जो है ना कोर्ट में इस चीज़ को हम रखेंगे कि किस प्रकार झूठ परोसा जा रहा है दुनिया के सामने, और इस पे कार्रवाई करिए जितनी जल्दी हो सकता है। थैंक यू।